हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम हो, और इंग्लिश सेक्शन में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश सेक्शन में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि इंग्लिश सेक्शन आपका पुअर है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे इंग्लिश सेक्शन को बहुत तेज़ी से और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आपको हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और उन हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को किन किन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है englishiq.in, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ पर बहुत ही मेहनत से ये सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स इसके सही कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। इन सारे वर्ड्स को यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही ये आपको रिवाइज हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे, फिर इनको आप आसानी से किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप रिकॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, ये हाईली एक्सपेक्टेड वर्ड्स हैं, जितने भी नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे CGL है या MTS है या CPO है या बैंकिंग का कोई भी एग्जाम है, डेफिनेटली ये वर्ड्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं। और इन सभी वर्ड्स को मैंने डिस्क्रिप्टिव तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इससे क्या होगा, इससे आपको इन वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, उसका सही मीनिंग क्या होता है। और आप जानते हैं कि SSC में तो वोकेबलरी का बहुत ही बड़ा रोल है, सिनोनिम एंटोनिम्स और क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, आपका RC, ये सारे वर्ड्स वहाँ पर आपको आपको देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलरली Tier 2 में तो काफ़ी सारे सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, और इन वर्ड्स की मदद से आपको क्लोज टेस्ट को और RC को समझने में बहुत आसानी होगी। और सारे वर्ड्स को मैंने डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, वर्ड्स को पढ़ने का सही तरीका है कि उसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना सही रहता है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर आता है वो हिंदी में नहीं आता है, वो इंग्लिश में आता है। तो इसलिए इंग्लिश टू इंग्लिश आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने दिए हैं, इनको आप लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर, अपने PC पर घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, और इनके थ्रू आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए, और इसमें मैंने रिसर्च करके कुछ वर्ड निकाले हैं जो SSC में और बैंकिंग में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन वर्ड्स को मैंने यहाँ पर जरूर डाला है। जो वर्ड्स सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रम्बल दिया है और एक दिया है क्रम्बल, तो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जो होते हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, वो मैंने पास पास में ही ये सारे वर्ड्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ से इस साइट पर आएँ और डेली आप 10 वर्ड तैयार करें, 10 वर्ड को डेली आप रिवाइज करें, डेफिनेटली आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होगी। जब वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स आपके स्ट्रांग होंगे, तो इंग्लिश सेक्शन भी आपका स्ट्रांग होगा, RC आपका स्ट्रांग होगा, क्लोज टेस्ट आपका स्ट्रांग होगा, और जो एब्सोल्यूट वोकेबलरी है, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह, वो सारे आपके स्ट्रांग यहाँ से होंगे। तो इस साइट पर आप डेली आएँ और डेली 10 वर्ड आप तैयार करें। इसकी पूरी सीरीज में चला रहा हूँ, ये वोकेबलरी Part 1, Part 2, Part 3, ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी सीरीज है, इसके अलग अलग पार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, Part 1, Part 2, Part 3, मैं पूरा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये Part 1 है एक्चुअली इसका, ठीक है, ऐसे ही Part 2, Part 3 इसके आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर वैसे तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आप आ जाएंगे, लेकिन यदि आपको पढ़ना है तो आपको इस साइट पर आना है, ये englishiq.in, इसके वोकैब सेक्शन में आना है, वोकैब सेक्शन में इन इंग्लिश यहाँ पर आपको जाना है। तो यहाँ से ये सारी सारी पोस्ट आप देख सकते हैं, इनको मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसमें 3 पार्ट हो चुके हैं, करीब 400 वर्ड मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, और आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें इस साइट को, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है और सब्सक्राइब करना है। तो इससे क्या होगा, कोई भी नई पोस्ट मैं यहाँ पर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर मैं फ्री कोर्सेज भी अपलोड करता हूँ, तो उनको भी आप देख सकते हैं, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्विज़ हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, Top 10 फिलर क्वेश्चंस फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग करके क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आप ज़रूर पढ़ें, और इसमें मैं बेस्ट कंटेंट ही डालता हूँ, ठीक है। और यदि आपको फ्री ई बुक्स डाउनलोड करनी है तो इसको आपको यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाना है,
और डाउनलोड सेक्शन में आपको सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। पहले ये पेड ई बुक्स थी लेकिन अब मैंने इनको फ्री कर दिया है अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से आप ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो इन पोस्ट को भी आप ज़रूर पढ़ें और इस वेबसाइट को आप सब्सक्राइब कर लें, englishiq.in। ये यहाँ पर इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। और इसको आप शेयर ज़रूर करें यहाँ से फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है इस साइट के बारे में और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश एक्सचेंज इनका पुअर है, तो उनको आप ज़रूर शेयर करें, डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो इस सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।